नाउ एक्सरसाइज 15.2 क्वेश्चन नंबर 1 बोला बेटा द लाइंस दैट डू नॉट इंटरसेक्ट ईच अदर इवन इन एक्सटेंडेड इनफिनिटली आर कॉल्ड डैश लाइंस पैरेलल बताया था थोड़ा पहले कि वो लाइन जो एक दूसरे को कभी इंटरसेक्ट नहीं करती चाहे वो इनफिनिटिव तक क्या कर दे हम ले जाए ठीक डैश एंगल ऑफ अ ट्रायंगल इज इक्वल टू द सम ऑफ इंटीरियर अपोजिट एंगल. देखो ये समझने वाला पॉइंट है. जैसे कि ये ट्रायंगल है सब अपोजिट को इंटीरियर अपोजिट एंगल नहीं बताया था तो हमने वर्टिकली अपोजिट एंगल बताए थे बताऊंगा वही तो बता तो जैसे एक ट्रायंगल है ना बेटा तो इस ट्रायंगल के अगर हम किसी भी साइड को एक्सटेंड कर दें तो ये जो एंगल इधर बनेगा इसको बोलते हैं एक्सटीरियर एंगल. क्या बोलते हैं बेटा एक्सटीरियर एंगल. तो ये जो एक्सटीरियर एंगल होता है जैसे अगर मैं इसको इंक्रीज करूँ तो ये एक्सटीरियर हो गया. इधर यहाँ इंक्रीज कर दे तो ये एक्सटीरियर हो जाएगा. इधर इसको इंक्रीज कर दूँगा तो यहाँ एक्सटीरियर हो जाएगा. समझ में आ रही है एक्सटीरियर एंगल. तो ये जो एक्सटीरियर एंगल होता है देवेंद्र बेटा बोर्ड पर जाए ये वाला एंगल इस एंगल को छोड़ के जो दो एंगल बचते हैं इंटीरियर इस एंगल को छोड़ के जो दो अपोजिट इंटीरियर एंगल बचते हैं उसके सम के इक्वल होता है. मतलब अगर मैं इसको ए मान लूँ इसको बी इसको सी तो ये जो ए हो जाएगा ये बी प्लस सी के सम के इक्वल होगा. समझ में आया. ऐसे अगर मैं इसको डी मान लूँ और इसको इधर ई मान लूँ तो जो ये डी होगा वो इसको छोड़ के इधर वाला एंगल एफ है तो बी प्लस एफ के इक्वल होगा और इधर ये ई है तो सी प्लस एफ के इक्वल होगा. तो ये क्या कहलाता है बेटा एक्सटीरियर एंगल. समझ में आया. इसको नोट डाउन ठीक है नोट डाउन चलो क्लियर हुआ एक्सटीरियर एंगल ठीक है. चलो आगे देखो फिर आगे क्वेश्चन नंबर 3 बेटा साथ साथ नोट डाउन करना चाहिए था आपको. चलो जल्दी से करो. समझ में तो आ गया ना एक्सटीरियर एंगल क्या होता है. यस सर. ठीक है आप उसकी दूसरी की कॉपी में से नोट डाउन कर लेना. तो देखो बेटा नेक्स्ट पॉइंट है इन ए राइट एंगल ट्रायंगल डैश स्क्वायर इक्वल्स टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर. हां बताओ देवेंद्र क्या है इसका आंसर. राइट एंगल ट्रायंगल में डैश स्क्वायर इक्वल्स टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर. सर हाइट हाइपोटेनियस स्क्वायर. ठीक है अगला क्वेश्चन नंबर 4 वी कैन कंस्ट्रक्ट ए ट्रायंगल व्हेन डैश ऑफ इट्स साइड्स एंड इंक्लूडिंग एंगल आर गिवन मेजर ऑफ इट्स साइड्स एंड इक्वल. ठीक है व्हेन डैश ऑफ इट्स साइड्स तो उनकी साइड का अगर मेजरमेंट हमें गिवन है और एक एंगल उसका गिवन है तो उसको बना सकते हैं. तो यहां पर लिखेंगे व्हेन मेजर ऑफ इट्स साइड. ठीक है we can construct a triangle we can construct a dash triangle if length of hypotenuse of any one of the sides are given. to hypotenuse kaun se triangle mein hoti hai sir. right angle to we can construct a right angle triangle. theek hai samajh mein aaya. next a triangle can be constructed with side 7.1 6.8 and 12 cm using dash criteria. dekho beta आप बेटा अपनी कॉपी उससे ले लो बाद में दे देना आपको बाद में कर लेना. आपका ध्यान उधर ही है. कॉपी ले लो अपनी ले ली ना तो आप फिर उधर कहाँ देख रहे हो पीछे आपको दिख नहीं रहा. क्या नहीं देख रहा सीधे बैठो बाद में देख लेना वो कहीं नहीं जा रहे हैं. यहाँ आप पीछे वाले क्वेश्चन नहीं चेक करो आगे के बोल दो छूट जाएंगे सारे के सारे. अभी देखो हमको ना एक ट्रायंगल में 3 साइड्स गिवन है तो ये बोला बेटा इस ट्रायंगल को हम कैसे बना सकते हैं. यहाँ पे क्राइटेरिया बताना है. देखो बेटा जब साइड गिवन होगी तीनों की तीनों तो जो क्राइटेरिया वो होता है क्या बेटा साइड तीनों साइड गिवन थी. अच्छा अगर यहाँ पे एक एंगल गिवन होता तो क्राइटेरिया हो जाता साइड एंगल साइड और अगर एक एंगल और गिवन होता
तो साइड एंगल एंगल है, ठीक है, समझ में आ गया पक्का। तो यहाँ पे जो क्राइटेरिया है इसमें तो हमें साइड की मैंने ना सारी की सारी, तो यहाँ पे कौन सा क्राइटेरिया लगेगा, साइड 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 एस एस एस, ठीक है। अब ये ट्रू फॉल्स है, ये देखो फर्स्ट वाला क्वेश्चन है, इन ट्रायंगल पीक्यूआर कैन बी कंस्ट्रक्टेड विद पीक्यू इक्वल्स टू 7, एंगल पी इक्वल्स टू 15, एंगल क्यू इक्वल्स टू 40, और इसने बोला है यूजिंग एंगल साइड एंगल क्राइटेरिया। चलो चेक कर लेते, देखो बेटा ध्यान से, पीक्यू हमको दे दिया इसमें, पीक्यू हमको दे दिया इसे, ठीक है, और पी का एंगल दे दिया 50 डिग्री, ठीक है, एंड क्यू का एंगल दे दिया 40 डिग्री। तो इसने बोला है यहाँ पे जो क्राइटेरिया लगा है वो लगा है एंगल साइड एंगल, क्या सही लगा है, गलत लगा है, एंगल साइड एंगल सही नहीं है, सही है। पता चला आपको कैसे लगा, कैसे? देखो दोबारा समझो इस चीज को, वो बेटा सही है क्वेश्चन, आंसर उसका सही है। अभी कैसे यूज हुआ इस चीज को हम समझना है। यहाँ पे जैसे हमें एक पी क्यू लाइन दी गई थी, और अगर हमें पी और क्यू के एंगल दिए हुए, जैसे पी क्यू लाइन हमने बनाई, पी का एंगल दिया हुआ है 50 डिग्री, तो इधर ही बनेगा 50 डिग्री, है ना, क्यू का एंगल 40 डिग्री दिया है, तो क्यू पे बना देंगे 40 डिग्री, वो इधर कहीं मिलेगा। तो ये जो क्राइटेरिया डिसाइड होता है वो कैसे डिसाइड हुआ, ये एंगल दिया था एंगल, फिर ये साइड दी थी साइड, फिर एंगल, तो हो गया, नहीं हो गया, ए एस ए, किसी भी एक किनारे से स्टार्ट करते हैं, मैंने आपको बताया था ना कि अगर क्राइटेरिया में देखना है तो किनारे से स्टार्ट करो, जैसे यहां से स्टार्ट करो एंगल, अब इधर की तरफ जाओगे तो ये भी इस वाली साइड के बारे में हमें कुछ नहीं पता, इस एंगल के बारे में कुछ नहीं पता, इस साइड के बारे में कुछ नहीं पता, तो हमें इधर से नहीं घूमना, हमें इधर से जाना है। तो हमें एंगल पता है, एंगल, फिर ये साइड बताती है, हमें दी हुई थी साइड, और फिर ये एंगल दिया हुआ था, तो एंगल साइड एंगल क्राइटेरिया सही तो हो गया। तो अब बाकी के इसके रेस्ट को करना है, ठीक है, समझ में आ गया ना कैसे करना है। अच्छा अभी जैसे बेटा मैं आपके सामने एक ट्रायंगल बना रहा हूँ, ये एक ट्रायंगल है, अब क्वेश्चन नंबर इसका सी देखो, ये ट्रायंगल है, ठीक है, देखो बेटा बोर्ड पे देखो, आज आपका ध्यान नहीं दिख रहा मुझे बोर्ड पे, फिर आप शाम को कॉल करोगे मेरे को इसी क्वेश्चन के लिए, इसका समझ नहीं आया, एक बार दोबारा समझा दीजिए, तो अभी एक ही बार में समझ लो ना, अभी पूछ लेना जो भी डाउट होगा, तो इधर ध्यान दो बेटा, ध्यान सीधे बैठो बेटा, इधर ध्यान देखो बेटा, जैसे ये ट्रायंगल है हमारे सामने, तो पी क्यू इसकी एक साइड है, पी क्यू इसकी साइड है, तो इसके सामने की तरफ कौन सा एंगल है, ये yes, तो ये इसका अपोजिट एंगल कहलाएगा, ठीक है, जैसे पी आर एक साइड है, इसके सामने की तरफ कौन सा एंगल है, ये तो ये पी आर का अपोजिट एंगल कहलाएगा, ऐसे क्यू आर इसके सामने एक साइड है, तो ये इसके सामने कौन सा एंगल है, तो ये क्यू आर का अपोजिट एंगल कहलाएगा। तो अगर मैं ऐसे बोलूंगा क्यू आर का अपोजिट एंगल बताओ तो कौन सा होगा, मैं बोलूंगा आर पी का अपोजिट एंगल बताओ तो कौन सा होगा, क्यू, क्लियर हो गया, समझ में आ गया बेटा, तो ये इनके अपोजिट एंगल होते हैं। तो इसमें एक प्रॉपर्टी होती है कि जैसे जो सबसे बड़ी साइड होगी किसी भी ट्रायंगल की, तो उसका जो अपोजिट एंगल होगा वो सबसे बड़ा एंगल होगा, मतलब सबसे बड़ी साइड के अपोजिट जो एंगल होगा वो सबसे बड़ा एंगल होगा, या इसको उल्टा भी कह सकते हैं कि जो सबसे बड़ा एंगल होगा उसके सामने वाली साइड सबसे बड़ी साइड होगी, ठीक है। तो जैसे अगर मैं यहाँ पे ये 60, ये 30, ये 90 बना दूँ, तो अगर मैं बोलूँ सबसे बड़ी साइड कौन सी होगी बेटा, साइड, साइड कौन सी होगी सबसे बड़ी, क्यों, तो एंगल है सर, साइड होगी सबसे बड़ी सर, पी, अरे पी भी एंगल है सर, क्यों साइड, क्योंकि पी आर अगर खोलोंगे तो उस साइड का क्यू वाली जो साइड होगी वो, साइड का नाम क्या होता है, पी होता है, क्यू होता है, ऐसा थोड़ी ना होता है, साइड का नाम होता है पी क्यू, पी आर, आर पी, ऐसे होता है, सर पी क्यू सबसे बड़ी साइड पी क्यू है, चलो देख लेते हैं, पी क्यू के सामने 30 डिग्री का एंगल है, तो सबसे छोटा एंगल है, मैंने क्या बताया प्रॉपर्टी में कि जो सबसे बड़ी साइड होगी उसके सामने वाला एंगल सबसे बड़ा एंगल होगा, या फिर जो सबसे बड़ा एंगल है उसके सामने वाली साइड सबसे बड़ी साइड है, तो सबसे बड़ा एंगल कहाँ है, 90, ये इसके सामने वाली साइड कौन सी है, पी आर, पी
ठीक है, आर पी या पी आर, ये तो सबसे बड़ी साइड होगी, ये सबसे बड़ी साइड के सामने वाला एंगल सबसे बड़ा एंगल, ठीक है, समझ में आई बात। तो तुम्हें अगर कोई पूछे सबसे बड़ी साइड कौन सी है, सबसे बड़ा एंगल कौन सा है, तो जो एंगल सबसे बड़ा है उसके सामने वाली साइड सबसे बड़ी है, और जो सबसे बड़ी साइड है उसके सामने वाला एंगल सबसे बड़ा एंगल है। क्लियर हुआ? यस। पक्का कर लोगे? ठीक है, ये अपोजिट एंगल का बता देना। उसके बाद क्वेश्चन नंबर डी ये फिल अप के खुद से कर लेना, जो भी डाउट है इसमें पूछ लेना। ठीक, नेक्स्ट एक्सरसाइज 15.3 पे आ जाओ। तो 15.3 में बोला है फर्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग आर पॉसिबल मेजर ऑफ अ ट्रायंगल, इनमें से ट्रायंगल के पॉसिबल मेजर कौन से हैं। तो मैंने बताया था ना कि जो सबसे बड़ी साइड है उसको ले लो, ध्यान से देखो, देखो क्वेश्चन नंबर बी कर रहे हैं ए का, तो सबसे बड़ी जो साइड है उसको हम ले लो, उसको आप ले लो, अगर उसका वो साइड उसके अलावा जो साइड बची है अगर इनका सम इससे बड़ा है तो ये ट्रायंगल के मेजर है, अदरवाइज नहीं है। तो इनका सम कितना है 15, तो ये 15 है, ये 19 है, बड़ा है छोटा है? 19 तो बड़ा हो गया ना 15 से, तो ये तो छोटे हो गए सम, तो ये बन जाएगा ट्रायंगल? नहीं, देवेंद्र बताओ बनेगा नहीं बनेगा? बन जाएगा। क्यों नहीं देवेंद्र बताएगा क्यों बनेगा? खड़े होकर बताओ बेटा, आ जाओ, हो नहीं क्लास में, बताओ खड़े होकर क्यों बनेगा? सर एक और साइड चाहिए थी, ट्रायंगल में चार साइड होती है। नो सर, नहीं बनेगा सर, नहीं क्यों नहीं बनेगा, वही तो पूछ रहा हूँ सर। 19 सर, पहले 90 सेंटीमीटर की एक लाइन है सर, उसके बाद फिर 7 सेंटीमीटर की सर, 8 की सर, साइज नहीं बन पाएगा। वही तो क्यों नहीं बन पाएगा, बना के देखोगे? इतना टाइम थोड़ी ना, चार क्वेश्चन ऐसे आ गए सबको बना बना के देखोगे क्या कि भाई 19 सेंटीमीटर पे 7 सेंटीमीटर पे 5 सेंटीमीटर, डायरेक्ट बताओ क्यों नहीं बनेगा? अभी बताया था ना मैंने सर, क्योंकि वाली साइड सर 19 सबसे बड़ी है सर, इन दोनों सम की सर जो है ये सर उससे बड़ी है। हां अभी तो सही बोला, तो मतलब कहां हो, क्लास में हो बेटा? अभी आपने अगर गलत बोला तो उधर देख लो, उधर जगह उधर खड़ा कर दो, ठीक है, ध्यान क्लास में होना चाहिए, बैठ जाओ। ये जो आपने लाइन बिल्कुल लास्ट में घुमा फिरा के सोच समझ के बोली ना, वो पहले ही बोल ली थी कि जो सबसे बड़ी साइड है, सबसे बड़ी साइड है उसके अलावा जो बची हुई साइड है उनका सम उनसे बड़ा होना चाहिए, ठीक है, अगर बड़ा है तो बनेगा, नहीं बनेगा अदरवाइज नहीं बनेगा। तो ये तो छोटा है तो ट्रायंगल नहीं बनेगा, समझ में आ गया? सारे पार्ट हो जाएंगे इसके। 10 + 10 कोई भी एक साइड ले लो, 10 बड़ी साइड कोई भी ले लो, 10 ले लिया, बची हुई साइड का सम क्या है 10 + 5 तो बन जाएगा, ठीक है, समझ में आया? नेक्स्ट होगा बेटा, राइट एंगल का विद्या गया है, मतलब अगर उससे बड़े जाएगी तो राइट एंगल ट्रायंगल बनेगा? नहीं, राइट एंगल के लिए स्क्वायर होना चाहिए, राइट एंगल नहीं होगा। ठीक है सर। ठीक है, आगे बोला कंस्ट्रक्ट अ लाइन पैरेलल टू गिवन लाइन थ्रू ए पॉइंट एनीवेयर लाइन आउटसाइड द लाइन, ठीक है। अब यहाँ पे हमें ये जो लाइन दी हुई है ना, इनके पैरेलल लाइन खींचनी है हमें, तो कैसे खींचते हैं पैरेलल लाइन, समझो? अभी मैंने बताया था ना अल्टरनेटिव इंटीरियर एंगल, वो बताया था तो मैं याद हो, तो देखो जैसे फर्स्ट लाइन ऐसे दी हुई है हमें, तो इसके पैरेलल मुझे लाइन खींचनी है, तो मैंने यहाँ पे एक पॉइंट ले लिया, इसने बोला आउटसाइड ले लो पॉइंट, तो हमने इधर ले लिया। अब इसके बाद हाँ इसको यहाँ से जोड़ दो, यहाँ से जोड़ दो, कहीं से भी जोड़ दो, हाँ यहाँ बन रहा है ना उतना ही एंगल इधर बना दो इस लाइन में, बस बन गई पहले, ठीक है, समझ में आ गया बेटा? हो जाएगा, बस खत्म कर देखो सारे ऐसे कर। अगला अगले वाले में ये हमें लाइन दी हुई है MN, क्वेश्चन नंबर सी में MN दिया हुआ है ना, तो सबसे पहले MN बना देंगे 5 सेंटीमीटर, उसके बाद दिया हुआ है इसका नाम लिख दिया M और इसका नाम लिख दिया है, हमें बोला गया ट्रायंगल बनाना है, कंस्ट्रक्टिव ट्रायंगल SSS क्राइटेरिया, मतलब साइड से साइड क्राइटेरिया से, तो MN हमने बना दिया। नेक्स्ट हमें NL दिया हुआ है, तो N तो ये रहा, L दिया नहीं, L पता किधर है? नहीं पता, तो N से
आर्क लाएंगे। तो एन पे हमने अपना निडल रखना है कंपास की, कंपास की निडल रख के एन पे आर्क लगाना है। तो ये आर्क हमने लगाया, हमें नहीं पता एल किधर है, इधर ही नहीं होगा। तो एन एल का हमने आर्क लगा दिया, उसके बाद एल एम दिया हुआ है, तो एम तो हमारे पास है, एल नहीं है, तो हम एम से आर्क लगाएंगे ऐसे करके। तो जहाँ पे ये आर्क कटे तो वो हमारा एल हो गया, और इसको मिला दिया से। सर उस पर कैसे पता है कितनी सेंटीमीटर की हमारा कंपास होती है? ये दिया हुआ है बेटा कितनी सेंटीमीटर की है, क्वेश्चन में गिवन है। ठीक है, हो जाएगा। अगले वाले में पी क्यू और क्यू आर और आर पी तीनों इक्वल दिए हैं, तो पी क्यू बना दिया सबसे पहले, फिर क्यू आर का आर्क लगा देंगे, फिर आर पी का आर्क लगा देंगे। तो वो कितने कितने सेंटीमीटर, तीनों इक्वल दिए ना, तो सिक्स 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 सेंटीमीटर हो जाएगा बेटा। ये सिंपल हाँ बेटा बोलो सर, जैसे जो हमारा कंपास है सर, उसे हम कैसे पता कि इतने ही हमारे सेंटीमीटर? वो स्केल से बेटा, रूलर, जब जैसे रूलर होता है ना, रूलर, ये रूलर है ना, हाँ, तो यहाँ पे कंपास के निडल रखेंगे और उसको इतना ओपन करेंगे, जैसे 5 सेंटीमीटर, जैसे सपोज ये 5 सेंटीमीटर है यहाँ पे, तो निडल यहाँ पे रखें, पेंसिल को 5 सेंटीमीटर तक ओपन कर लिया कुछ इस तरीके से, जैसे ये निडल यहाँ पे है, पेंसिल इधर है, फिर जितना ये था उतने का इधर रख के ऐसे हाथ लगा देंगे। समझ में आया? अभी क्वेश्चन नंबर डी, कंस्ट्रक्ट द फॉलोइंग ट्रायंगल, द लेंथ ऑफ वन साइड एंड द एंगल एट ईच एंड ऑफ इट आर गिवन। तो ये ट्रायंगल हमें बना लें, जैसे इसने दिया है वैसे बना लें। पहले 7 सेंटीमीटर की लाइन खींचनी है, फिर एक तरफ इधर 30 और उधर की तरफ 20, बिल्कुल सेम बना लें। बना लोगे प्रोटेक्टर से बना रहे हैं 30 और 20 सबसे ये बनाना और उसमें कुछ नहीं करना, बस ये ठीक है, चलिए ठीक चलेगा, ठीक है ना, समझ में आ गया ना। अगला बोला है कंस्ट्रक्ट द फॉलोइंग रेक्टेंगल, हमको नहीं पता कितना है, आगे तक बढ़ा दिया, ठीक है, नहीं पता ना हमें कितना है, पर हमें ये दिया हुआ था इसका हाइपोटेनियस 5 है। यहाँ देखो 5 दिया हुआ, तो यहाँ पे वही निडल रखेंगे एंड निडल को 5 सेंटीमीटर तक ओपन किया, तो फिर ये आर्क लगा देंगे ऐसे, और जहाँ भी आर्क ने काटा उसको मिला। सर ये सॉल्विंग, ये तो मतलब सर प्रैक्टिकल हो रहा है सर, 90 सेंटीमीटर सर, 90 डिग्री सर पूरा कंपास से गया सर, 3 मिनट इसको कंपास सर, कंपास से नहीं प्रोटेक्टर से सर, इसे मतलब इसे सॉल्व करने वाला नहीं, बस जो दिया है उसको कॉपी कर दो, ठीक है, वो आगे आ सकता है।